गुड मॉर्निंग अनिल जी. थोड़े मिले जुले ग्लोबल संकेत हैं. एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट इस समय होल्ड कर रहा है. अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कुछ एक्शन नहीं है. जरा समझाएं सर, आज वीकली एक्सपायरी के लिहाज से कहां पर रखनी है नजर, कल की दमदार रिकवरी और इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग के बाद आज का एक्शन कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग जी. देखिए, कल बड़ी गिरावट अमेरिका की थी, उसको हम संभाल पाए और अच्छी क्लोजिंग दी है, तो भारतीय बाजारों में मोमेंटम स्ट्रांग है. लॉन्ग डील के एडजस्टमेंट के बावजूद एफआईज और घरेलू फंड की तरफ से डेटा ठीक है और तकनीकी तौर पर भी बाजार थोड़े थोड़े मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में सुस्त शुरुआत के बाद बाजार को किसी एक तरफ जाने दें. अगर पहले सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहां पर खरीदारी करने का मौका बनेगा. कल आपने देखा किस तरह से 17,600 के पहले सपोर्ट लेवल से बाजार घूम गए और आज भी मुझे लगता है 17,600-17,675 ये है वो 75 पॉइंट की रेंज जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी. अगर सुस्त शुरुआत के बाद पहले बाजार अगर नीचे की तरफ आते तो ये खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका होगा, और अगर सुस्त शुरुआत होने के बाद बाजार पहले ऊपर की तरफ चले जाए तो फिर 17,800 से 17,875 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और फिर से इंतजार करना चाहिए डिप का. और 7500 पॉइंट का डिप अगर आपको ऊपर से किसी भी लेवल से मिले तो वो आपके लिए फिर से एंट्री पॉइंट बन जाएगा. तो दो तरीके हैं, या तो आप रेंज बाउंड मार्केट को दोनों तरफ ट्रेड करें या फिर दूसरा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चले, जो भी आपको सूट करे. जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 41,100-41,250 ये आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और हल्की फुल्की रुकावट 41,700 के आसपास है, उसको पार करके टिके तो फिर उसके बाद 41,800 से 41,975 ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं कि 42,000 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है और उस रेंज में उस लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए. तो सिंपल है, आप रेंज बाउंड मार्केट में एक पहले डायरेक्शनल मूव आने दें और उसके बाद आप अपना एक्शन लें या फिर इंतजार करें डिप्स का और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ खरीदारी करें. तो इंतजार करें लेवल्स का और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी. कल तो ऑफकोर्स जबरदस्त रही, अच्छे सपोर्ट लेवल से हमने अच्छी मूव आती देखी. आज भी आप उसी अप्रोच के साथ जा सकते हैं, फिलहाल ठीक ठाक संकेत दिख रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. और 8 बजे तो ऑफकोर्स पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, आज के लेवल्स और बाकी सारा डेटा समझेंगे अनिल जी के साथ.